सुशील जी, पहला सवाल आप ही से है और उप मुख्यमंत्री हमारे साथ बिहार के पूर्व जुड़ रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये समझ नहीं आ रहा बीजेपी का स्टैंड क्या है। आप भी दबे दबे लफ्जों में ये जरूर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन गिरिराज सिंह अब कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। स्टैंड क्या है? नहीं, कोई दबे दबे लफ्जों में नहीं कर रहे हैं, और मैं अधिकृत तौर पर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के साथ जिन 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा है, और वैसे शातिर अपराधी उसमें 7 ऐसे लोग हैं जिनको महीने में एक बार थाने में आकर अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी, और एक लोकसभा चुनाव में उनका वोट लेने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए इन 27 लोगों को रिहा किया गया है। और जो लोग कह रहे हैं कि कानून के तहत छोड़ा गया, तो मैं नीतीश कुमार से जानना चाहता हूं उनको रिहा करने का आधार क्या है? क्या उन्होंने सजा की अवधि पूरी कर ली? अगर सजा की अवधि पूरी कर ली तो जेल मैनुअल में अपने संशोधन क्यों किया? और यही नीतीश कुमार जिन्होंने 2016 में जेल मैनुअल में संशोधन करके एक नई धारा जोड़ा था जिसका आपने उल्लेख किया कि जिसमें सरकारी कर्मचारी की अगर ड्यूटी के दौरान अगर हत्या हो जाती है तो उसको जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी सरकारी नौकरी करते समय अगर किसी की हत्या हो जाए तो वो बलात्कार के समकक्ष माना जाएगा, आतंकी हत्या के समकक्ष माना जाएगा, और उसको किसी प्रकार के रेमिशन का अधिकार नहीं मिलेगा। और आपने उसी नियम में संशोधन कर दिया 6 साल के बाद कल आनंद मोहन सिंह और 27 अपराधियों को जेल से रिहा करने के लिए, यही आपका सामाजिक न्याय है? और इसलिए सवाल ये है, और इसमें देखिए एक बात और, इसमें माई समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि इसमें आप अगर जाति आधार पर देखेंगे तो माई समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। तो केवल चुनाव की गोटी बैठाई गई है आनंद मोहन के साथ साथ जिन 27 लोगों को छोड़ा गया है। तो मेरा यही सवाल है कि आनंद मोहन तो पॉलिटिकल आदमी थे, लेकिन उनकी सजा को तो सुप्रीम कोर्ट तक ने बहाल किया। हाँ। ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। और अभी मैं आनंद मोहन जी का बयान देख रहा था कि कानून की बात कर रहे थे, अरे भाई अगर छोड़ना था तो आप छोड़ देते, लेकिन संशोधन क्यों किया? आपने जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन करके 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया। मेरे पास टेलीफोन आ रहा है, एक अशोक यादव छोड़े गए लखीसराय के, उस पर कुशवाहा जाति के लोगों की हत्या का आरोप है। लोग डरे हुए हैं कि अपराधी जो शातिर दुर्दांत जेल से निकलेंगे तो उस जिले के अंदर क्या होगा। तो आप तो अपराधियों का साथ दे रहे हैं, आप तो अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं, आपका जो पीएम बनने का सपना उसको पूरा करने के लिए आपने कानून की धज्जियां उड़ा दिया, आपने जेल मैनुअल को तार तार कर दिया, आपने अपराध को संरक्षण देने का काम किया। इसमें कोई मुरव्वत नहीं है, कोई आनंद मोहन सिंह या किसी के प्रति कोई हमारी सहानुभूति नहीं है। आप अगर उस सजा पूरा कोई कर ले तो उसको छोड़ दे, बात समझ में आ सकती है। तो सुशील जी, ये फोटो क्या है? आपने आपने कहा कि अपराधियों के को छोड़ने में MY समीकरण का ख्याल रखा गया है, ये कौन सा R समीकरण है? समझ नहीं आ रहा है सर, क्योंकि देखिए आप, ये तस्वीर आपकी बहुत वायरल हो रही है। ये फोटो कब की है सर, जब आप उनको गले लगा रहे हैं आनंद मोहन जी को, ये फोटो कब की है? और क्या अभी जब वो पैरोल पर निकले तब की है? समझ लीजिए जी, अंजना जी, किसी के घर में शादी विवाह श्राद्ध में हम दुश्मन के भी घर जा सकते हैं, तो किसी के घर शादी विवाह श्राद्ध में जाना एक राजनीतिक औपचारिकता है। उनका बेटा RJD का MLA है, इसलिए अगर मैं उनके घर गया, उनके घर में शादी है, तो वो एक अलग विषय है, उसका संबंध ये नहीं है। और जब मैंने रिहाई की बात कही तो ये नहीं कहा कि जेल मैनुअल में संशोधन करके 27 दुर्दांत अपराधियों के साथ उनको छोड़ दीजिए। अगर किसी ने सजा की अवधि पूरी कर ली है अब छोड़ दीजिए, समझ में आ सकता है, कोई व्यक्ति जिंदगी भर जेल में नहीं रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार, आपने जेल मैनुअल में संशोधन किया और इसका परिणाम ये हुआ है कि जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं जिनको इस धारा के तहत सुरक्षा कवच मिला हुआ था कि अगर कोई हत्या कर देगा तो उसको कोई राहत नहीं मिलेगी, आपने उन लाखों कर्मचारियों को जो सुरक्षा कवच मिली हुई थी उस सुरक्षा कवच को आपने हटा दिया। और इसलिए मेरा सवाल है राहुल गांधी से, जिन्होंने एक समय में भ्रष्टाचार से जुड़े ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, अन्यथा लालू यादव को बड़ी मदद मिल गई होती, कि वो जवाब दें एक दलित की हत्या करने वाले आनंद मोहन सिंह के लिए क्या, और 27 लोगों के लिए अगर जेल मैनुअल में संशोधन किया जाना, क्या यह असंवैधानिक नहीं है? क्या यह आर्बिट्री नहीं है? यह क्या जन विरोधी सरकार की का काम नहीं है? ये क्या पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है?
इसलिए यही यही सवाल है नीतीश कुमार से कि आधार क्या, किस आधार पर आनंद मोहन सिंह और 27 लोगों को रिहा किया जा रहा है, कल इस एक बात का जवाब दे दे। और आपने क्यों संशोधन किया? हाँ। तब तो कल आप और भी संशोधन कर देंगे, कल बलात्कार के मामले में भी संशोधन कर सकते हैं। आपने जैसे ही ये मुद्दा बोला सर, ये मुद्दा आपने जैसे बोला सुशील जी, फौरन आपसे सवाल आएगा कि आपने भी गुजरात में यही किया था, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ऐसे ही बदलाव करके रिहा कर दिया गया था सर। अंजना जी, वहां के जेल मैनुअल में कोई संशोधन नहीं किया गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी बिल्किस बानो में उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन वहां पर कोई जेल मैनुअल में संशोधन नहीं किया गया था। यहां तो जेल मैनुअल में बकायदा संशोधन करके और लोगों को रिहा किया जा रहा है, और एक ऐसे व्यक्ति को रिहा किया जा रहा है और ऐसे लोगों को, और इसमें 27 लोग जो रिहा किए जा रहे हैं उसमें आधे दर्जन ऐसे लोग हैं जिन्होंने BDO को, CO को, SDO को और दलित समाज से आने वाले लोगों की हत्या की थी। केवल एक व्यक्ति नहीं, तो सरकारी कर्मचारी की हत्या करने वाले 27 लोगों को माई समीकरण को ध्यान में रखकर लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए आपने एक झटके में जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन करके उनको जेल से बाहर कर दिया। क्या यही कानून का राज है? क्या अपराध को ये संरक्षण देना नहीं है? नीतीश जी, आपका जो सपना है PM बनने का, इन अपराधियों की बदौलत आप अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा सवाल है सर, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस निर्णय का घोर विरोध करती है।